एक वृद्ध आदमी सफेद कपड़ा पहने हुए सफेद पगड़ी बांधे हुए उस बच्ची को लेकर के आके पूछता है, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? हाँ, कल की घटना। वो पूछता है, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? ना उसने कभी देखा, ना वो कभी परिचित हुई, गले से लगा लिया उस बच्ची को। साक्षात हनुमान जी कल यहां विराजमान। कल का एक चमत्कार बताएं, अगर वो माता जी आई होंगी तो खबर नहीं। कल एक घटना और घटी यहां, विचित्र घटना। एक माता जी अपनी 6 माह की बच्ची लेकर के आई थी यहां। 6 माह की बच्ची की आयु थी, 6 महीना। वहां बीच में पंडाल के बीचों बीच तीन ये साउंड छोड़ करके तीसरे नंबर पर बीचों बीच लगभग 1 लाख लोग पंडाल के आसपास थे। कल क्या हुआ कि भीड़ में उनकी वो 6 माह की बच्ची उनके हाथ से छूट गई, नीचे गिर गई, और भीड़ में इतनी चपलन पड़ी कि उन्हें वो बच्ची लौट के मिली नहीं। 1.5 घंटे तक वो ढूंढती रही, रोते रोते यहां मंच पर आई। हम तो थे नहीं मंच पर, जो आचार वगैरह थे, तो वो इतनी रोई कि उसकी श्वास रुकने लगी, गश्त आने लगा। बोले, महाराज जी बच्ची मर गई। और जितने यहां पर बैठे थे सबको लगा कि बच्ची, क्योंकि इतनी भीड़, 6 महीना की बच्ची रो तो पाती नहीं, बोल तो पाती नहीं, लगता किसी ने गले पे पांव रख दिया। तो उसे जब गश्त आने लगा तो हाथ पकड़ के पंडाल के बाहर तक ले गए। अब वो रोने लगी, इतनी चिघाड़े वो माता जी, इतनी चिघाड़े। पता है घटना क्या घटी? एक वृद्ध आदमी सफेद कपड़ा पहने हुए सफेद पगड़ी बांधे हुए उस बच्ची को लेकर के आके पूछता है, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? हाँ, कल की घटना। वो पूछता है, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? ना उसने कभी देखा, ना वो कभी परिचित हुई, गले से लगा लिया उस बच्ची को। साक्षात हनुमान जी कल यहां विराजमान। हमें तो लगता वो कोई और नहीं, साक्षात सन्यासी बाबा ही उस बच्ची को 50,000-1 लाख लोगों से उठा करके पंडाल के बाहर लेकर के चले गए। यही तो बागेश्वर धाम का चमत्कार है। क्या है? लोग कहते बागेश्वर धाम में क्या है? बागेश्वर धाम में वो है जो तुम सोच नहीं सकते यारो। नारियल की तो नहीं कहते कि हम आगे बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, पर ये कहेंगे तुम अब मत डरना। अभी तो 5 लाख आए थे, अगली कथा में 10 लाख की तैयारी करो, बाल बांका नहीं होगा। हमारे ये सब प्रताप वगैरह ये सब बच्चे जब वापस गए थे तो सब राम राम कर रहे थे। जब हमें फोन से बताया वो बच्ची गई, और हमें भी सच बताएं पहली बार डर लगा जीवन में कल कि कोई कलंक ना लग जाए, बिना हम आए कोई कलंक ना लग जाए, हनुमान जी हमारे आने से कलंक ना लग जाए। हनुमान जी की ऐसी दया। एक व्यक्ति बैरे केटिंग पर टंगा था, उसके भर पैर में चोट आई है, अब वो सागर में है। बाकी ईश्वर की ऐसी दया, किसी का बाल बांका नहीं हुआ। तो जब 6 माह की बच्ची को बचाने के लिए हनुमान जी वृद्ध का रूप धारण कर सकते, आप विचार करो, व्यक्ति अपना बैग नहीं उठा सकता था, वो वृद्ध बूढ़ा आदमी बच्ची कैसे लाया होगा, कहां से आया होगा? इंसान तो नहीं होगा, कोई भगवान ही होगा। तो शायद माताजी आई हो तो खड़ी हो जाए। हमने कल खबर कही थी कि उन माताजी को बुलाना जरूर। साधु जी, ये साक्षात हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्षात बागेश्वर धाम का प्रत्यक्ष प्रमाण। और जो न्यूज़ चलाई गई कि भगदड़ मच गई, कोई भगदड़ नहीं मची है कथा में, भक्तों का हुजूम। हाँ, जब 4-5 लाख लोग आते हैं तो जो बीपी की शिकायत के रोगी, उन्हें तो दिक्कत होगी होगी, और 5 लाख लोग आए, कोई व्यवस्था नहीं थी ढंग की, फिर भी बालाजी ने सबकी रक्षा की और हनुमान जी स्वयं रूप धारण करके आए। एक तो बीना का भी तो कहती नहीं, भविष्य में कभी कथा होगी तो तुम 10 लाख की तैयारी करना यारो। हाँ, साक्षात हनुमान जी की कृपा है। आप जो दिव्य रूप बना करके बैठे हैं, आपको पता हो ना हो, आगरा से है ना महाराज जी? आगरा से है ना? मथुरा, उज्जैन, कोई बता रहे थे, अच्छा वृंदावन बताया था आपने, हैं? कथाओं में खूब आते जाते हैं आप। आप पहले कोई नौकरी करते थे? आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये जो दिव्य रूप में है कभी पैसा नहीं लेते हैं, कथाओं में जाते हैं, और आप पहले नौकरी करते थे, नौकरी, और ऐसा रंग चढ़ा भगवान की भक्ति का कि नौकरी छोड़ के ऐसे ही रूप बना करके कथाओं में आनंद लेते हैं।
ऐसे ही घूमते हैं। कल भी हमारा मंच पे भाव हुआ कि इनमें साक्षात ठाकुर जी की विचलता है, कभी हमें लगता है ये हनुमान जी है, कभी चश्मा लग के लगता है। कल एक बच्ची छोटी आई थी तो हमने कहा कि ये बच्ची किसका चित्र बनाया, तो बच्ची कह रही थी ये लिटिल हनुमान जी है, उसने नाम दिया था लिटिल हनुमान जी। तो हमें कभी लगता है ये लिटिल हनुमान जी है, कभी कन्हैया लगते, कभी कोई लगता, अद्भुत रूप धारण किए और अद्भुत निष्ठा है आपकी, अद्भुत। सच कहें बीना में ऐसा चमत्कार हमने तो अपनी आंखों में आज तक नहीं देखा जो कल हुआ। हाँ, इतने दिन दरबार लगाते हो गया, ऐसा चमत्कार, बहुत चमत्कार भाई। पर ऐसा भी हुआ, ये जो एक जो पत्रकार थे, वो पत्रकार हमको कह रहे थे, सागर वाले एक पत्रकार, बोले आप हमारे घर पहुंच गए थे दूसरे दिन, हम गए नहीं थे, हमने जब खबर ली तो पता लगा सन्यासी बाबा रूप बना के उनके घर पे पहुंच गए। हाँ, उनके तखत पे जाके बैठा है जो दैनिक भास्कर वाले थे। तो एक बार अमेरिका में भी ऐसी कोई घटना घटी, तब तो विदेशी हम बहुत मानते बागेश्वर धाम को, अमेरिका में एक बार आचार्य जी के साथ में, आचार्य जी कोई काम में फंस गए, बहुत बड़े उपद्रव में फंस गए, तो इनके साथ हमारा कोई रूप बना के पहुंच गया और काम हो गया आचार्य जी के साथ। तो हम तो अपने जीवन में साक्षात अनुभव करते कि हमारे सन्यासी बाबा प्रत्यक्ष रूप बना करके और बालाजी प्रत्यक्ष रूप बना करके आ जाते हैं। बीना में जो चमत्कार हुआ उसे मुख से वर्णन नहीं कह सकते साहब, कल का दिन अविस्मरणीय है दोनों दृष्टि से, एक तो भक्तों का खूब हुजूम जुड़ा और दूसरा सन्यासी बाबा और बालाजी साक्षात रूप लेकर के आए। वो हमारी नाक और पूरे आयोजन की नाक बचाने आए थे, अगर वो बच्ची ही मर जाती तो खा लेते लोग प्राण, बड़े त्रिकालज्ञ तो थे ये नहीं बता पाए, बड़े जानकार तो थे ये नहीं बता पाए। पर सबको याद हो ना हो, हमने दो दिन पहले ही मंच से कह दिया था कि व्यवस्था बनाने, ब्लू प्रिंट बना ले, भगदड़ हो सकती है। अब वो भविष्यवाणी, कल भगदड़ तो नहीं हुई लेकिन भीड़ जरूर हुई, हमने कहा था भीड़ हो सकती है, बहुत भीड़ हो सकती है। अब हम बताते नहीं है, हमारे मुख से हम तो बोलते नहीं, बोलते तो हनुमान जी है और जो बोलते हैं वो मिथ्या नहीं होता है, अपनी मुंह बड़ाई नहीं। ना हमारे पास तप है, ना त्याग है, एकदम नालायक आदमी है, महाधूर्त आदमी है भैया, ना हम पढ़े लिखे महानालायक, बस अपने गुरु जी के चेला और हनुमान जी के दास हैं, उनकी ऐसी कृपा के हनुमान का दास रहे ना कभी उदास, वो हमें उदास नहीं देखते हैं। तो कल बीना में कई पत्रकारों ने जरूर ये खबर चलाई भगदड़ मची, कोई भगदड़ नहीं मची, भीड़ जरूर मची, हाँ भक्तों का हुजूम जरूर मचा है। और कान खोल करके जो कहते कि भगवान नहीं होते थे दिव्य शक्तियां नहीं, कल मोह धर्म के विरोधियों कान खोल कर कल का चमत्कार सुन लो, बच्ची को बचाने हनुमान जी भी उस भीड़ में आए। तुम्हारे बाप में दम हो तो अपने घर में तुम बुला लेना 10,000 आदमियों, बचा लेना किसी को, अगर हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तो बचा पाना मुश्किल है। लेकिन कल मोहो जो सनातन के विरोधी हैं, नक्कटा हरो जो कह रहे थे कि कल बागेश्वर धाम वाले महाराज की कथा में क्या हुआ, हमने दो दिन पहले भविष्यवाणी कर दी थी और कल भी बाल बांका नहीं हुआ। हाँ, तुम लाख कर लो मुझे मिटाने की कोशिश, पर हस्ती ऐसी है बालाजी की मिटती नहीं है। हाँ, हंसने वालों, सनातन का उपहास मचाने वालों जो कहते थे कि त्रिकालज्ञ, या हम कहते हम कोई त्रिकालज्ञ नहीं है, हम न त्रिकालदर्शी हैं, न हम भविष्य जानते, हम इतना जानते कि हनुमान जी को जानते बस। और बीना में कल इसीलिए तो इतिहास लिख गया, इतिहास में लिख गया कल का आयोजन बीना का, इतिहास में कि हनुमान जी साक्षात बीना के पंडाल में प्रकट भए। कुछ चिट्ठियां हम पढ़ेंगे, लाओ जरा, फिर इसके बाद कथा। आज जो संस्कार पे चैनल पे देख रहे हैं, आज रावण वध है तक कथा है, तो शीघ्र होगी, इसलिए चिट्ठियों की चर्चा।